एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिप्पी रिप्पिया में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग और लेके आई हूँ फिर से, जो कि मैंने अमेज़न से की है। और इसमें मैंने सारे फेस्टिव आउटफिट खरीदे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और काफी कम प्राइस पे मिले हैं मुझे। तो चलिए फिर ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। और कौन सी इसमें प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छे लगे वो भी शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अपने भी सजेशन दीजिएगा कि मैं अगला कौन सी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए फिर मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी शॉपिंग की है मैंने अमेजोन से। अपने पहले प्रोडक्ट की, तो वो मैंने आने वाले मौसम को ध्यान में रखे की है। मेरे को एक्चुअली साड़ी पहनने का काफी शौक है। पार्टीज वार्टीज में हम ठंड में साड़ियां पहनते हैं, तो उसमें हमें ऐसे टॉप की जरूरत होती है, ऐसे ब्लाउज की जरूरत होती है जो कि हमें एक स्टाइलिश लुक भी दे साड़ी के साथ, और कंफर्टेबल भी फील कराए, हमें थोड़ा वार्म मतलब फील कराए। तो उसके लिए मेरे को एक वेलवेट की ब्लाउज की बहुत जरूरत थी, जो कि मैं काफी दिन से सर्च कर रही थी अमेजोन पे और बाकी भी सारी साइट्स पे, और मुझे मिले भी है। तो एक साथ तीन तीन मिले हैं, जो कि अभी मैंने एक ही रिसीव किया है, दो अभी आना बाकी हैं। तो जैसे वो भी रिसीव होंगे तो मैं उनका भी रिव्यू जरूर लेके आऊंगी आपके पास। अभी मेरे को एक रिसीव हुआ है तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है और प्राइस भी मुझे 600 के आसपास कुछ पड़ा है, जो कि ठीक है। इस काफी अच्छी क्वालिटी में मिला है मुझे। थोड़ा सा ढीला हो रहा था मुझे, क्योंकि मुझे लगता है जो वेलवेट के ब्लाउज होते हैं थोड़े एक साइज छोटा मंगवाना चाहिए। मैंने एकदम परफेक्ट जो साइज था वो मंगवाया, तो हल्का सा ढीला हुआ है, बट ठीक है, मैं इसको स्टिच करवा लूंगी। तो ये है वो वेलवेट का ब्लाउज, मैं इसे पहन के भी दिखा दूंगी आपको कि ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। और ये क्लोज नेक ब्लाउज है, एक्चुअली ठंड के हिसाब से ही बनाया गया है, क्योंकि ठंड में इस तरह के जो क्लोज नेक वाले ब्लाउज होते हैं वो हमें ठंड से बचाते हैं थोड़ा, तो उस हिसाब से ही बनाया है। तो मेरे ख्याल से ये मुझे बहुत यूज आएगा, और मैं बहुत दिन से वेलवेट ब्लाउज की तलाश में थी, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन ये ब्लाउज मुझे काफी अच्छा लगा। और इसमें बहुत तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, ये भी मैंने देखा है, और मैं किस तरीके से स्टाइल करना चाहती हूँ वो भी मैं सोच के बैठी हूँ। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट आते आते वीडियोज में जरूर दिखाऊंगी किस तरीके से मैं इसे स्टाइल करूंगी। तो और अभी भी मैं दिखा दूंगी कि इसे पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो ये है वो ब्लाउज जो कि मैंने अमेजोन से लिया है, और मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। और सेल के टाइम पे नहीं लिया है मैंने, मुझे लगता है सेल से पहले लिया था थोड़ा, तो मुझे प्राइस थोड़ा आसपास थोड़ा ठीक ठाक ही पड़ा है। तो अभी भी प्राइस का कम नहीं हुआ है, सेल में भी कोई प्राइस कम नहीं हुआ है, जैसा प्राइस उस टाइम था आज भी वैसे ही है। तो ये ब्लाउज मेरा पहला प्रोडक्ट है जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है। क्या वो मैंने एक शॉर्ट कुर्ती ली है, या पैंपर टॉप भी कह सकते हैं इसे, जो कि मैंने इंडिया ब्रांड की ली है, आपने भी सुनी होगी। और इंडिया ब्रांड के कपड़े मैं पहले भी ले चुकी हूँ, बहुत टाइम से ले रही हूँ, और काफी अच्छा फैब्रिक रहता है। कुछ ऐसे ब्रांड है जिनके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता, आप आराम से इनके कपड़े परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन भी, जैसे वीवा हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो इन ब्रांड के जो कपड़े मैं लेती हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है, मैं मतलब ये देख लेती हूँ कि किस तरह से वो मेरे को स्टाइल होगा या मैं किस तरह से उसे पहन पाऊंगी, तो ये सोच के मैं वो कपड़े जरूर परचेज कर लेती हूँ। तो अभी भी मैंने जो लिया है वो मुझे सेल पे ही मिला है। इसका प्राइस बाकी जगह मैं देख रही थी मिंत्रा में तो थोड़ा ज्यादा था, पे ये 800 के कुछ आसपास प्राइस पे था, और ये अमेजोन से मैंने परचेज किया है 600 के अंदर, जो कि ठीक है। इस टाइप के जो जो टॉप होते हैं वो इसी प्राइस पे मिलते हैं, और बहुत अच्छा लगा था पहनने के बाद। मैं शेयर कर दूंगी कि पहनने के बाद ये कैसा लगा है, और मैंने इसे आने वाले फेस्टिवल को ध्यान में रख के लिया है, और कहीं ना कहीं मैं इसे स्टाइल भी करूंगी। और ये इस तरह का ब्लाउज है, इसमें इस तरह से हाथ में टेंटम स्टाइल में ये स्लीव्स बनी हुई है दोनों तरफ, और गले के पास पूरा वर्क किया हुआ है जो कि आपको पूरा फेस्टिव एप्रोप्रिएट बनाता है इस टॉप को। और नीचे इस तरीके से फ्रिल बने हैं, और पीछे बैक इसका प्लेन है, और सामने की तरफ ये गले के पास डोरी दी हुई है बांधने के लिए। तो ये है इंडिया ब्रांड का टॉप जो कि मुझे काफी पसंद आया, और इसे भी मैं रिकमेंड करूंगी, और इन सभी का मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं, इसे बहुत तरीके से स्टाइल किया जा सकता है, आप लोग भी समझ ही गए होंगे, और मैं बता दूंगी आपको आने वाले वीडियोस में कि किस किस तरीके से इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड प्रोडक्ट है जो कि मैंने अमेजोन से परचेज किया है, और मैं इसे भी रिकमेंड करती हूँ आपको। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया है मैंने, वो मैंने वीवा से लिया है, और जैसा कि मैंने बताया कि इन सारे जो ब्रांड के कपड़े होते हैं उनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा,
और ये बहुत ही प्यारी कुर्ती ड्रेस है या कुर्ता सेट बोल सकते हैं, आपने देखा भी होगा। और मैंने इसे बहुत ही कम प्राइस में लिया है। मैं इसका प्राइस जो बाकी मैं देख रही थी तो 1000 रुपीज से किसी ने भी कम ही लिया है, लेकिन मैंने इसे 699 रुपीज में कुछ मैंने लिया है, या 690 के आसपास कुछ मैंने तो पड़ा है, 700 मान सकते हैं। तो 700 के अंदर मुझे ये पूरा सेट मिला है जो कि काफी कम प्राइस है इस कुर्ता सेट का। और इसके इसमें दो आते हैं, एक अंदर कुर्ती आती है, स्लीवलेस कुर्ती आती है इस तरीके की प्लेन कुर्ती। और मैंने इसमें 34 साइज लिया है जो कि थोड़ा सा मुझे ढीला हो रहा है, पर ठीक है, अंदर पहना है तो पता नहीं चलता है ऊपर। तो ये है कुर्ती जो कि स्लीवलेस है और इस तरीके से है ये प्लेन कुर्ती। और नीचे की तरफ इस तरह से ये फ्रिल बने हुए हैं, नीचे की तरफ जो एकदम नीचे जो बटन होता है उसके नीचे यहाँ पे फ्रिल बने हुए हैं जो कि इसको लुक इसका लुक बहुत अच्छा करते हैं अगर आप इसे वेयर करते हैं तो। और रेड भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा पीच में जो मिक्स वाला रेड होता है वो वाला कलर है जो कि अच्छा है। फेस्टिव के हिसाब से इस तरह की कुर्ती आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं, छोटे मोटे गेट टुगेदर में अगर आप इसे वेयर करते हैं तो मेरे ख्याल से ये कुर्ती काफी अच्छा लुक देगी आपको। तो इस तरीके से है ये कुर्ती, गले के पास इधर इस तरह से फॉइल प्रिंट बना हुआ है पूरा आप देख सकते हैं, और पीछे की तरफ से भी इस तरह से प्रिंट है, और स्लीव्स में भी थोड़ा डिफरेंट टाइप की स्लीव्स बनी है इसकी। पहली बार आपको समझ आ जाएगा, 3-4 स्लीव्स हैं इस तरह से, और दो सेट आते हैं कुर्ती और नीचे, ये ऊपर कुर्ती और नीचे जो मैंने आपको दिखाया वो उस तरह की कुर्ती का आता है इस सेट, जो कि वीवा ब्रांड से मैंने लिया है। और मैंने प्राइस इसको बता दिया आपको कि 700 के अंदर पड़ा है मुझे, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस पे मिली है मुझे लगता है ये कुर्ती सेट, जो कि मुझे अच्छी लगी और इसे भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। और अभी इसका प्राइस कम हो गया है तो आप लोग ऐड टू कार्ट करके रखिए, जब कम होगा प्राइस तभी लीजिए, मैं तो यही आपको बोलूंगी। अभी जो प्राइस मिल रहा है उस प्राइस में मत लेके, और प्राइस थोड़ा कम होने का वेट करिए क्योंकि अभी और भी फेस्टिवल के हिसाब से मेरे ख्याल से डिस्काउंट या ऑफर आएंगे तो उसमें आप लीजिए। तो ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है, तो इसे भी आप ले सकते हैं, इसका भी लिंक मैंने शेयर। जो फोर्थ प्रोडक्ट लिया है वो भी मैंने वीवा से ही लिया है, वीवा एक्चुअली मेरा फेवरेट है। मैं बहुत साल से वीवा से शॉपिंग कर रही हूँ, अभी मैंने ऑनलाइन शुरू किया है, बाकी तो मैं शॉप से मैं लेती हूँ, तो काफी अच्छे मेरे ख्याल से इनके जो मटेरियल रहता है, इनका फैब्रिक रहता है वो काफी अच्छा रहता है। और इसके मैंने ली है एक स्कर्ट जो कि बहुत दिन से मैंने इसे एड टू कार्ट करके रखा था और इसका प्राइस काफी ज्यादा दिख रहा था, लेकिन सेल के टाइम पे ये मुझे काफी कम प्राइस पे मिली है, आई थिंक 1400 की ये मिली है मुझे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम है। और इस तरह की स्कर्ट बाहर कहीं से आप लेते हैं तो बहुत ही महंगी मिलती है। मैंने भी ली है, मैंने पहले भी वीवा की स्कर्ट ले रखी है और मैं सेल पे ही एक्चुअली लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सेल पे ही स्कर्ट आप लो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि कुर्ता सेट तो फिर भी ठीक है बट ये स्कर्ट तो मुझे लगता है सेल पे ही लेनी चाहिए तो आपको ठीक ठाक प्राइस पे मिल जाएगी। और ये है वो स्कर्ट जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत फ्रिल है इसमें, आप देख सकते हैं पूरी स्कर्ट में इतना फ्रिल है जो कि इसका लुक बहुत अच्छा करता है। ये मेरी फेवरेट स्कर्ट हो गई, मेरे को बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी ऐसी स्कर्ट, और इसका कलर ऑफ वाइट कलर बोल सकते हैं, थोड़ा सा वाइट में जैसा है, मेरे पास पहले भी थी ऐसी स्कर्ट बट उसका कलर एकदम गोल्डन शेड में था तो मुझे व्हाइट में थोड़ा सा चाहिए था, तो मुझे ये स्कर्ट मैं काफी दिन से इसलिए मैंने एड टू कार्ट करके रखी थी और मुझे ठीक भी मिली, मेरे ख्याल से कम प्राइस में मिली। अभी इसका प्राइस फिर बढ़ गया है अमेजोन पे, तो इसलिए मैं बोलूंगी आपको कि जब भी प्राइस ड्रॉप होता है तभी आप परचेस करिए, एड टू कार्ट करके रखिए उसे, तो ये अच्छा तरीका है कोई भी शॉपिंग करने का। तो ये है वो स्कर्ट जिसमें नीचे पूरा फॉइल प्रिंट से काम किया हुआ है और कवर में डोरी दी हुई है, इस तरीके से टेसल्स लगे हैं और नीचे भी ये बॉर्डर बना हुआ है इस तरीके से, और इसमें भी थोड़ा सा ऐसा पैंट लगा हुआ है, यहाँ पे कपड़ा इस तरह से लगा है कि आपको एक अच्छा फ्लो लुक देगा। और इसके नीचे आप कोई भी कैंटन स्कर्ट पहन लीजिए तो इससे इसका लुक और अच्छा हो जाएगा। तो ये है मेरा फोर्थ प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है और ये मुझे काफी तरीके से मैं स्टाइल भी करने वाली हूँ और मैं वीडियो भी शेयर करूंगी आपको कि मैंने किस किस तरीके से इसे स्टाइल किया। तो ये था मेरा वो लास्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया है और इसे भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर परचेस करिए अमेजोन से। तो ये थी वो सारी शॉपिंग जो कि मैंने अमेजोन से की है और मेरे ख्याल से सारी ही शॉपिंग जो मैंने की है वो आप लोगों के भी काफी काम आएगी और आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी आई होप। और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे ओकेशन आने वाले हैं, आने वाले टाइम में भी शादियां आ रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं,
कि आप लोगों को ये सारे कपड़ों की मतलब काफी जरूरत भी होती है इस तरह के कपड़ों की, कि आप इन्हें मिक्स एंड मैच करके बहुत तरीके से स्टाइल कर सके। तो इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया और ये सारी शॉपिंग भी की है मैंने कि मैं भी इन्हें किस किस तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, और आप भी करिए अगर आप लोग ये सारे कपड़े परचेस करते हैं। तो ये थी मेरी वो सारी शॉपिंग जो कि मैंने अमेजोन से की है, और जल्द से जल्द मैं और भी वीडियो लाने वाली हूँ। इसलिए अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भी ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।